कश्मीर अलर्ट पर है। आतंक के जख्मों से छलनी धरती की यह जन्नत जद्दोजहद से गुजर रही है। पाकिस्तान हर रोज नई साजिश रच रहा है और भारत हर माकूल जवाब देने को तैयार है। सियासी हलचलों के बीच तमाम सरगर्मियां किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या कश्मीर के हालात बदले से हैं? जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 TV। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आज हम बात करेंगे कश्मीर के हालात पर। धरती की इस जन्नत को आखिरकार किसकी नजर लग गई है? क्यों है कश्मीर के हालात बदले से? R9 TV की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कश्मीर संकट के पीछे आखिरकार वजह क्या है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि कश्मीर का गुनहगार कौन है। एक दौर था जब धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की वादियों के बोसे बहकती हवाएं लेती थी। उन फिजाओं में अब बारूद की गंध है। कश्मीर एक बार फिर अलर्ट है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? सुरक्षा बल अलर्ट है, जवानों की तादाद बढ़ाई गई है और एक सियासी सवाल धरती के स्वर्ग से पूछ रहा है, आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है? सैलानियों को तुरंत घाटी छोड़ने के लिए कहा गया। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु से भी यही ताकीद की गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर घाटी से लौटने के लिए यात्रियों की भीड़ है। फ्लाइट कम पड़ रहे हैं, टिकटों के लिए मारामारी है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक राजनीति चरम पर है। वजह ये पता चली, खुफिया अलर्ट थे जिनमें कहा गया था कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और तब से कश्मीर एक बार फिर से सियासी भूकंप का एपिसेंटर बन गया है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की रात में राज्यपाल से मुलाकात, विपक्ष के नेताओं का हल्ला घाटी में गहराते संकट की ओर इशारा कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी गवर्नर से मिल चुके हैं। सवाल यही है, क्यों बदले से है हालात? अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती और अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी की गई एडवाइजरी आखिरकार किस ओर इशारा कर रही है? क्या कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? सवाल संविधान के आर्टिकल 370 और 35A को लेकर भी उठ रहे हैं, साथ ही साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है? तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी सरकार पार्ट 2 में जम्मू कश्मीर से 35A हटाने की कवायद को अब कामयाबी मिलने जा रही है? बीते 3 दिनों में जिस तरीके से 38,000 जवानों की तैनाती की गई, अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया गया, उससे फिलहाल यही संकेत मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कल देर रात तक सियासी हलचल बहुत तेज रही और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, फिर देर रात अलगाववादी नेता सज्जाद लोन से मुलाकात की। पिछले 70 साल में इस किस्म का जो खौफ, एक साइकोलॉजिकल जो जंग चल रही है, मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हो रहा है। और इस किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमने कोई जो लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी सुने कि दे आर गोइंग टू टिंकर विद 35A या जो हमारी स्पेशल पोजीशन है। इसलिए मैं, हालांकि इस्लाम में हाथ जोड़ना गुना माना जाता है, हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ, अपना जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत बड़ा 1,20,00,000,000 लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 हटने की आशंका को लेकर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की प्रमुख
शाह फैजल और पीपुल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और इमरान रजा अंसारी के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और इसी को लेकर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने भी आज सुबह राज्यपाल सतपाल मलिक से मुलाकात की। 370 को लेकर बात हो रही है, डिलिमिटेशन को लेकर बात हो रही है और कल तो बहुत ही ज्यादा ट्राइफर्केशन को लेकर लोग परेशान थे। गवर्नर साहब ने हमें यकीन दिलाया कि इस सिलसिले इन तमाम मामलों में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई पेशरफ्त नहीं की जा रही है, कोई तैयारी नहीं की जा रही है इस तरह के ऐलान के लिए। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सियासी हलचल और अमरनाथ यात्रा को बीच में रोकने के लिए जारी एडवाइजरी पर फैल रही अफवाह पर ध्यान नहीं देने को कहा है। जो दिखाया गया है वो सरकार के कोई ऑर्डर्स नहीं है और कश्मीर में अगर आप लाल चौक पे छींकेंगे गवर्नर हाउस तक वो खबर बन जाती है कि बम फटा है। यहाँ अफवाहें बहुत फैलती हैं, उन पे कोई ध्यान मत दो, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल। घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर घबराई विपक्षी पार्टियों पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दंज कसने के साथ ही 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तिरंगा फहराने की बात कही है। देश किसी भी देशभक्त को डिप्लॉयमेंट से कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डर, खौफ, भय, ये आतंकवादियों, अलगाववादियों और देश के गद्दारों के दिल में है और वो होना ही चाहिए। 15 अगस्त के दिन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रत्येक पंचायत स्तर तक हम तिरंगे झंडे फहराएंगे। पिछले कुछ दिनों से घाटी में हो रही हलचलों ने न सिर्फ देश की बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की गडकरी बढ़ा दी। गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के जम्मू कश्मीर के दौरे के बाद से चल रहे घटनाक्रम तो यही इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। बेचैनी जम्मू कश्मीर के लोगों में भी है, बेचैनी देश के लोगों में इस बात को लेकर के है कि आखिर होने क्या जा रहा है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि इन जवानों की तैनाती जो की गई है महज जम्मू कश्मीर के आवाम की सुरक्षा के लिए है। कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ जब्बार खान, A9 TV। कश्मीर के कश्मकश का गुनहगार कौन है, ये सवाल आज और भी अहम हो गया है। A9 TV की एनालिसिस आपको बताएगी इतिहास की उन गलतियों के बारे में जो उस वक्त नहीं हुई होती तो आज धरती के इस जन्नत वाकई जन्नत होती। कश्मीर आज किसकी करनी की सजा भुगत रहा है? क्या इसके लिए देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार थे? आज जब कश्मीर को लेकर देश हजारों जख्म झेलने को मजबूर है तो जरूरी है कि हम वक्त की सुई को थोड़ा पीछे करके ले जाएं। पंद्रह अगस्त 1947, इतिहास की वो तारीख जब देश आजाद हुआ। ये दौर कश्मकश का था। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती 500 से भी ज्यादा रियासतों के देश में विलय को लेकर थी। ज्यादातर रियासतें मान चुकी थी लेकिन तब मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह दुविधा में थे। पाकिस्तान से मिले ये गवारा नहीं था। भारत का हिस्सा बन जाए इसके लिए भी तैयार नहीं थे। पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि कश्मीर पर थी। वो चोर दरवाजे से धरती के जन्नत पर कब्जे की साजिश रच रहा था। कबाइलियों की फौज श्रीनगर की ओर कूच कर रही थी और महाराजा खुद श्रीनगर छोड़कर जम्मू के अपने महल में चले गए ताकि जिंदगी महफूज रहे।
फिर आई वो तारीख जब कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। 26 अक्टूबर 1947, भारत में कश्मीर के विलय के लिए कोई भारी भरकम दस्तावेज नहीं थे। महज 2 पेज के कागजात थे जिस पर महाराजा हरि सिंह ने दस्तखत किए। सवालों के घेरे में यह भी है कि क्या महाराजा ने बैक डेट में साइन किए थे। वजह यह थी कि महाराजा हरि सिंह 25 अक्टूबर को श्रीनगर से भागकर जम्मू पहुंचे थे। ऑफिशियल लाइन ये है कि तब गृह सचिव रहे वीपी मेनन 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू गए और महाराजा के कागजात पर दस्तखत करवाए। लेकिन ये बात गलत निकली। मेनन जम्मू जाना चाहते थे पर वो जा नहीं सके। खैर, इसकी सच्चाई चाहे जो भी हो, पर विलय हो जाने के बाद भारत ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सेना के विमान कश्मीर में उतरने लगे। अब सवाल ये है कि क्या पंडित नेहरू वो ऐतिहासिक भूल कर बैठे जिसके लिए उन्हें एक बड़ा राजनीतिक वर्ग दोषी मानता है। क्योंकि कमोबेश ये तय है कि महाराजा हरि सिंह भारत से बिना शर्त विलय के लिए तैयार हो गए थे। कबायलियों और पाकिस्तान से बचने के लिए इसके सिवा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। सवाल और भी कई हैं। महाराजा के प्रस्ताव पर शेख अब्दुल्ला की सहमति क्यों जरूरी मानी गई? शेख अब्दुल्ला और नेहरू की बैठकों का राज क्या है? क्यों अनुच्छेद 370 और दूसरी शर्तें जोड़ी गई? गृहमंत्री पटेल सभी रियासतों के विलय का काम खुद देख रहे थे, फिर नेहरू ने कश्मीर की फाइल अपने पास क्यों रख ली? कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र क्यों ले गए नेहरू? एक्सपर्ट का मानना है कि नेहरू की इस ऐतिहासिक गलती का खामियाजा देश आज तक भुगत रहा है। कश्मीर का मुद्दा 2 देशों के बीच का मुद्दा था। नेहरू ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया। 2 नवंबर 1947 को नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान कर दिया कि कश्मीर में अमन बहाली के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। रेडियो पर नेहरू ने जिस वक्त ये मुनादी की, तब कश्मीर में हमारी फौज पाकिस्तानी सेना से लड़ रही थी। क्या इस घोषणा से फौज के मनोबल पर असर नहीं पड़ा होगा? नेहरू ने 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत भी भेजी थी। माना जाता है कि सरदार पटेल नेहरू के जनमत संग्रह की राय से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन करीबी निगाह डाले तो खुलासा होता है कि दरअसल नेहरू ने जो किया उसके पीछे माउंटबेटन की साजिश थी। माउंटबेटन चाहते थे कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए और फिर अंग्रेज चोर दरवाजे से सामरिक तौर पर अहम कश्मीर पर राज करे। तो क्या जनमत संग्रह की घोषणा इसी साजिश का हिस्सा थी? कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नेहरू का इस सूबे से जुड़े मामलों में सीधा दखल था। अपनी मदद के लिए नेहरू ने एन गोपाल स्वामी आयंगर को बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बना रखा था। आयंगर कश्मीर से जुड़े मामलों में सीधे नेहरू से आदेश लेते थे। यहाँ तक कि जब सरदार पटेल ने इस पर सवाल किया तो बदले में उन्हें नेहरू ने चिट्ठी लिख डाली। हालात ऐसे हुए कि पटेल ने खुद को कश्मीर के मामलों से अलग कर लिया। 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में सीज़फ़ायर का ऐलान भी एक ऐतिहासिक गलती थी। भारतीय फौजें पुंछ, कारगिल और द्रास में कबाइलों को खदेड़ चुकी थी, लेकिन सीज़फ़ायर की वजह से आज तक एक तिहाई कश्मीर पाक के कब्जे में है। जो भी चीजें हमने आपको बताई वो पब्लिक डोमेन में है, इतिहास का हिस्सा है। अब इसमें तय आपको करना है कि आखिर कश्मीर का असली गुनहगार कौन है। R9 TV के लिए
ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदगी थमती नहीं। कश्मीर के सियासी हालात की बात करें या फिर सुरक्षा की, सरगर्मियां जरूर हैं, लेकिन घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं। सेना की गाड़ियों की लंबी कतार, आरएएफ की भी तैनाती, तीर्थ यात्रियों के लिए बने कैंप को हटाना, कुछ तो इशारा कर रहा है। सरकार के एडवाइजरी के बाद देर रात जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राशन और जरूरत का सामान लेने के लिए देर रात तक लोग दुकानों पर नजर आए। इतना ही नहीं, घाटी छोड़ने वालों की लंबी लंबी कतार सड़कों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर नजर आने लगी। बुरा लग रहा है, हम इतने दूर से आए हैं, क्या फायदा होगा? खर्चा तो खर्चा भी हो गया, बहुत हाल भी हो गए हमारे, हो गए क्या? तो कैसी सुविधा आपको दी जा रही है कि कल ही एडवाइजरी जारी की गई है, सबको बोला गया है आप वापिस चले जाए, तो कैसी सुविधा आपको यहाँ पे दी जा रही है? अब हमको बाहर निकाला दिया गया सर, सुविधा कुछ नहीं, सुविधा खाना भी हमारा बंद किया, खाना पीना पानी भी बंद किया उस पर का। आम लोग जो हैं वो परेशान हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि आखिरकार क्या होने वाला है। ये आज 12 बजे तक आप कैंपस सभी लोग खाली कर दें, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि उन्होंने सुरक्षा के लिए उन्होंने जहाँ से यात्रा बंद कर दी, उन्हें किसी बात की अगर प्रॉब्लम लग रही है आतंकवादियों की वजह से या किसी भी तरीके से उन्होंने बंद करने के लिए कोशिश की है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन असुविधा सिर्फ ये है अगर ये लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं तो हमें जाने में दिक्कत है, रिजर्वेशन वेटिंग में मिल रहा है। सर कम से कम जाने की तो व्यवस्था कर दीजिए, या तो एक दिन का टाइम दीजिए, अगले दिन तत्काल मिल जाएगा, अगले दिन निकाल के ले जाएंगे। वो कह रहे कि आप कैंपस से बाहर जाइए, कहीं भी रहिए। वहीं दूसरी ओर घाटी छोड़ने वालों की लंबी कतार को देखते हुए फ्लाइट कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया। सुबह में जम्मू से दिल्ली की फ्लाइट का किराया 15,000 से 20,000 रुपए बढ़ गया। गो एयर का किराया 18,289 रुपए, विस्तारा का रेट 17,306 रुपए, स्पाइस जेट एयर एशिया का किराया 10,000 रुपए। इन सबके बीच श्रीनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों को तुरंत हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए। नोटिस में कहा गया है कि अगले आदेश तक किसी भी छात्र को हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। हालांकि कल की अपेक्षा आज हालात सामान्य नजर आए, लोग बाजारों में घूमते नजर आए, स्कूल भी खुले हुए हैं, इंटरनेट सेवाएं भी चालू है। एडवाइजरी का असर अमरनाथ यात्रा पर भी देखने को मिला। 2 अगस्त को सिर्फ 407 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इन सभी लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए अमरनाथ गुफा तक पहुंचाया गया था। स्नाइपर राइफल, आईडी और कुकर बम मिलने के बाद से सुरक्षा बल और अलर्ट हो गए हैं। आतंकी खतरे को देखते अमरनाथ यात्रा रोकने और पैदल श्रद्धालुओं के सफर पर रोक लगा दी गई है। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा फरमान जारी किया जाए या पार्लियामेंट के जरिए लोगों को बताया जाए कि वो बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं और कुछ भी होने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हालात क्या करवट लेंगे। अबरार भट्ट, R9 न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर के मौजूदा संकट के पीछे की वजह क्या है? R9 टीवी ने बात की डिफेंस एक्सपर्ट मेजर SP सिन्हा से, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। नमस्कार, R9 टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पिछले 3 दिनों के अंदर ही 38,000 जवानों को जिस तरीके से कश्मीर भेजा गया है उसको लेकर कई मायने निकल के सामने आ रहे हैं। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जनरल SP सिन्हा जी मौजूद है। सर स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। पर जिस तरीके से लगातार सेना की तैनाती कश्मीर में बढ़ाई जा रही है उसके कई मायने निकल के सामने आ रहे हैं, क्या लगता है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है कश्मीर में? देखिए, कुछ कुछ चीज़ें जो बाह्य रूप से दिखाई देती हैं उसका आंतरिक रूप जो है वो दूसरा होता है और हो भी इस केस में हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जितनी सुरक्षा बल वहाँ भेजे गए हैं, फ़ौज को ऑगमेंट किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑगमेंट किया गया है,
उसके पहले थ्रेट परसेप्शन के लिए हम एनालाइज करते हैं, खतरा क्या है। खतरा है कि जब इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान में 40,000 आतंकी वेट कर रहे हैं हिंदुस्तान और कश्मीर में घुस के तबाही करने के लिए, 15 अगस्त का खतरा है, स्नाइपर राइफल सरकार के कब्जे में आती है जो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये स्नाइपर राइफल भेजा है। तो स्नाइपर राइफल होता क्या है, स्नाइपर राइफल आप यदि एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे, पेड़ पे, माउंटेन टॉप पे, बिल्डिंग के ऊपर बैठ के जो यात्री गन या जो आदमी जा रहा है ज़मीनी स्थल पे, रोड पे, उसको आप पिकअप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो सिटिंग डक होता है। तो ये थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए अब सरकार का क्या रोल है, यदि इंटेलिजेंस इनपुट है कि खतरा है और सरकार निष्क्रिय रहे और भगवान न करे कि कुछ खराब हादसा हो जाए तो सरकार को तो लोग झकझोड़ेंगे, लोग कहेंगे आपको इंटेलिजेंस इनपुट था, आपने क्या किया। और जब सरकार फौज भेजती है, फौज को ऑगमेंट करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को एडिशनल ट्रूप्स भेजती है तो बोलते हैं कि हम भयभीत हैं, हम खौफ में हैं। दोनों चीज़ नहीं चलेगा, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ये तो है बाहर का रूप। मेरी अपनी सोच है कि हो सकता है कुछ अप्रत्याशित चीज़ होने जा रहा है, हो सकता है 35A हटे, हो सकता है 370 हटे, हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो स्टेट का भौगोलिक दृष्टिकोण से, हो सकता है कुछ यूनियन टेरिटरी बने, तो कुछ भी संभव है। और यदि संभव है तो जो परिवार, 2-3 परिवार कश्मीर को 70 साल से लूट रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है, खौफ उनको है, आम जनता को खौफ नहीं है। आम जनता को कश्मीर के न 35A से मतलब है न 370 से मतलब है, ये मेरे पास सूचना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आनंद के साथ जुड़ने के लिए। तो कश्मीर की हालात जिस तरीके से बदल रही है, ऐसे में कुछ भी कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कैमरा पर्सन रागीब के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली। कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली नापाक हरकत का भारत ने हर बार मुँह तोड़ जवाब दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार फिर से कश्मीर के हालात सामान्य होंगे और वादियों में अमन फिर से लौटेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए R9 TV। नमस्कार।